बस अभी जाकर ही आया रॉयल इनफील्ड के वर्कशॉप पे, बाइक में रख कर ही आया हूँ। बोला है कल देंगे, कल दोपहर में। आज उनके पास बाइक्स आ गई थी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मैंने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था, डायरेक्ट ही गया था मैं। तो बस 11-12 बज रहे हैं अभी, अभी रख के आया हूँ। कल देने की बात हुई है, कल दोपहर में 2-3 बजे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मेरे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 जो है रीबॉर्न नेक्स्ट जनरेशन द लेटेस्ट जनरेशन, उसका सर्विस कॉस्ट, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट। आज अभी हम बाइक लेने ही जा रहे हैं, तो उसका पहला सर्विस कॉस्ट क्या है, कितने में सर्विस हुई है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, क्या नहीं, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा इनवॉइस के साथ। वीडियो में बने रहे मेरे साथ। ओके, सो वी आर एट द वर्कशॉप। चलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको मैं कितना बिल हुआ है, कितना क्या हुआ है। फर्स्ट सर्विस ये क्लासिक की, दिस इज़ द बाइक, रेडी है बाइक। तो यहाँ पे एक स्क्रैच है यार, मैंने बोला था वो देखने को, पर अभी भी है वो, अगर दिख रहा हो कैमरे में तो ये वाला। उसने बोला तो था कि हो जाएगा कोटिंग से, और मेरे को यार एक चीज़ सही नहीं लगती, ये साइलेंसर बहुत ढीला है, काफ़ी लूज़ फिटिंग है, पर ये नई थी तभी से ऐसा है, ऐसे ही रख रहे हैं ये लोग पता नहीं क्यों, देयर मे बी अ रीज़न। तो सर्विस तो हो गया, बाइक रेडी टू गो है घर ले जाने के लिए। और ये जो सीट कवर मैंने बोला था चेंज करने को, वो भी ओके, सीट कवर भी चेंज कर दिया है जैसा कि प्रॉमिस किया था उन्होंने। और पीछे का व्हील अलाइन हुआ है या नहीं वो भी देख लेते, अभी देखेंगे, गाड़ी बाहर निकालेंगे तब। अभी अंदर चलता हूँ, बताता हूँ बिल कितना हुआ है, क्या खर्चा हुआ है। इज द बिल, पहली सर्विस में ही 1600 हुआ है, ये पहली फ्री सर्विस थी, अभी पता नहीं आगे कितना लेंगे। और ये है इनवॉइस पहली सर्विस का, मेरा पेएबल है टोटल 1602 रुपये। सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो हुआ है सर्विस किट का, फिर उसके बाद इंजन ऑयल का, 663 का इंजन ऑयल है, और सर्विस किट है कुछ 695 के। वो सर्विस किट में इनके दो तीन छोटे छोटे सामान होते हैं, वो तो मैंने देखा था, जो कि वर्थ नहीं है इतना अमाउंट के लिए, पर फिर भी ये लोग लेते हैं तो वी डोंट हैव अदर चॉइस। सर्विस किट में क्या क्या आता है 665 का जो है हिंदी? फर्स्ट सर्विस में ना उसके अंदर जो कंपनी के नॉब्स वो टैपेट सेटिंग आता है। हाँ। और उसके अंदर जो टैपेट सेटिंग करने के लिए जो टॉप कवर बोलते हैं, अच्छा, वो खोलना पड़ता है, वहाँ पे रबर की ओरिंग आती है। और आपको पता होगा कि रबर की ओरिंग हो या पैकिंग हो, वन टाइम यूज होता है। अच्छा। इसके लिए सर्विस किट के अंदर ऑयल फिल्टर आता है, उसकी 3-4 ऑयल फिल्टर की और हेड जो टॉप कवर की रिंग आती है वो रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो वो 665 में दो तीन चीज़ें आती है, एक वो रिंग हो गई रबर की। हाँ, रबर की रिंग हो गई। हाँ। उसके बाद ऑयल फिल्टर आते हैं, वहाँ पे रबर की ओ रिंग आती है, टॉप कवर के जो बोल्ट लगते हैं वहाँ पे भी दो ओ रिंग आती है, वो भी जो सर्विस किट के अंदर वो इंक्लूडेड होती है। अच्छा, तो वो सर्विस किट अगर लेनी हो सिर्फ तो वो भी मिल जाएगी ना आपके पास? हाँ सर, वो भी मिल जाएगी। ओके ओके, और जो आपने टैबेट का रिंग बताया वो फर्स्ट सर्विस में ही मतलब मैंडेटरी, क्योंकि मेरे पास पहले क्लासिक थी वो तो टैबेट का तो 4 साल के बाद उसमें आया, वो तो अलग थी, उसके अंदर टैबेट नहीं आते, बराबर, उसके हाइड्रोलिक टैबेट आते हैं उसके अंदर। देखो ये टैबेट आते हैं तो फर्स्ट सर्विस और थर्ड सर्विस, मतलब एक सर्विस छोड़ के आपको ये टैपेज सेट रिक्वायर्ड हो तो करनी होती है। अच्छा, अभी था रिक्वायर्ड? अभी रिक्वायर्ड था इसके अंदर। ओके, 500 के बाद अभी डायरेक्ट 5000 रुपये ना? हाँ, 5। और थर्ड सर्विस 10000? 10000 पे, और 10000 पे अगर रिक्वायर्ड होगी तो होगा, करेंगे। हाँ, फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ, थैंक यू सो मच।